फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ NGK। सो फ्रेंड्स, ऑन दिस चैनल वी डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ लॉ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एंड अदर लीगल एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मुस्लिम लॉ फ्रॉम द ईयर 2002 to 2022। मतलब पास 20 साल के पेपर जितने हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, और उसमें से हम अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड वाइल सब्सक्राइबिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियोज। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट क्लिक द लाइक बटन ओवर देयर एंड अप्रिशिएट दिस विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट दिस चैनल एज वेल। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। Super Thanks is a way to help the content creator, means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20, minimum is 20 rupees. So question 51 kya hai, dekhiye, a Muslim goes to any country of the world with his personal rights ya fir with an object of obeying the laws of the country concerned which includes personal laws. D is the answer. बट मैं कहूँगा ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए। अब दूसरी कंट्री में चले जाओ, जैसे चाइना चले जाओ, वहाँ पर कोई पर्सनल लॉज नहीं है। नेक्स्ट 52, वेयर अ मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल कॉन्ट्रैक्ट देयर मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई और डज नॉट अप्लाई? डज नॉट अप्लाई ऑब्वियसली, स्पेशल मैरिज एक्ट में की है, तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट 53, अंडर शिया लॉ इफ द हस्बैंड हैज कैपेसिटी टू स्पीक बट अनाउंसेस तलाक इन राइटिंग, द तलाक इज वॉइड? सी इज द आंसर। नेक्स्ट 54, अंडर द मुस्लिम लॉ मैरिज इज रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 55, द एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ इज, डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबाउट इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? डी इज द आंसर। नेक्स्ट 56, वक्फ कैन बी मेड बाय अ मुस्लिम ओनली, हिंदू होगा तो ट्रस्ट क्रिएट कर लेगा अपनी, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 190, विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, कुरान है, हदीस है, इजमा है, शरीयत नहीं है? बी इज द आंसर। नेक्स्ट 193, ऑन द ग्राउंड ऑफ फोस्टेज मुस्लिम मैरिज इज वॉइड, बातिल? ए इज द आंसर। सारे रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 194, विच अनदर फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, इजमा, किया, कुरान, ऑल ऑफ द अबाउट इज द आंसर। नेक्स्ट 195, लीगल गार्जियन ऑफ मुस्लिम माइनर फीमेल इज फादर, ए इज द आंसर। कस्टडी किसके पास आती है? मदर के पास, कस्टडी मदर की होगी, गार्जियन फादर होगा। नेक्स्ट 196, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल फॉर अ वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, ऑफर एक्सेप्टेंस, कंपिटेंट पार्टी, फ्री कंसेंट? फोस्टेज नहीं है, फोस्टेज पे तो वाइड हो जाएगी, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 197, डॉवर इन मुस्लिम लॉ इज डॉवरी? नो, एन ऑब्लिगेशन इम्पोज अपॉन द हस्बैंड एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ वाइफ, यस, कंसीडरेशन ऑफ मैरिज, लीगल राइट ऑफ वाइफ, यस। 234 इज द आंसर, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 198, तलाक इज कंप्लीट एंड इररिवोकेबल डाइवोर्स, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 199, इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली रिलेशन द लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया इज पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 162, हाउ मेनी विटनेसेस आर एसेंशियल एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ शिया? नो विटनेस, सुन्नी में दो चाहिए एंड शिया में डाइवोर्स के टाइम पर दो चाहिए, सुन्नी में डाइवोर्स के टाइम पर जरूरी नहीं है, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 163, व्हाट इज रिकॉग्निशन ऑफ मुता मैरिज अमंग सुन्नी मुस्लिम्स, वॉइड है ये, बी इज द आंसर। 164, इन सुन्नी लॉ इफ हस्बैंड गिव्स तलाक अंडर कोर्शन, इंटॉक्सिकेशन एंड जोक, दिस तलाक इज वैलिड, शिया में वॉइड होता है। नेक्स्ट 165, व्हाट मिनिमम अमाउंट इज फिक्स फॉर डॉवर अमंग सुन्नी मुस्लिम्स, मिनिमम कितना है? 10 दिरहम। नेक्स्ट 166, ए सुन्नी मुस्लिम मैरिज विद किताबिया गर्ल, द मैरिज इज वैलिड। नेक्स्ट 167, डॉवर इज असेंशियल इंसिडेंस ऑफ मैरिज कंसिडरेबल टू मैरिज एंड मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, यस, कंसिडरेशन होना चाहिए टू द मैरिज, ऑल ऑफ द अबाउट इज द आंसर। देखिए सारे रिपीट क्वेश्चन 2008 में पूछे गए हैं फिर से ये। नेक्स्ट 168, अंडर मुस्लिम लॉ ए विल मे बी मेड ऑफ
एक्चुअली 169 रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट गिव्स राइट ऑफ जुडिशियल डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड मेंशन इन इट टू हस्बैंड एंड वाइफ और वाइफ ओनली. तो वाइफ ओनली के लिए है वो, हस्बैंड को तो वैसे तलाक का राइट है. सी इज द आंसर. ये भी जो है 2008 में पूछा गया है फिर से. नेक्स्ट 170, इफ अ शिया मेल मैरिज अ सुन्नी फीमेल तो मैरिज क्या है? सही है, मुस्लिम मुस्लिम है. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्सनल मैटर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 शरीयत एक्ट? दैट इज प्रीएम्प्शन इज नॉट अ पर्सनल मैटर. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 172, विडोज राइट ऑफ रिटेंशन ऑफ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ डॉवर इज अ पर्सनल राइट. ए इज द आंसर. इतने क्वेश्चन हैं 2008 में जो दोबारा पूछे गए, ऐसे लग रहा है कि जैसे 2008 का पेपर ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे. नेक्स्ट 173, ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉस्टेज ए मुस्लिम मैरिज इज वॉइड. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 174, तलाक उल बिद्दत इज रिकोगनाइज बाय शिया सुन्नीज सूफीज. सुन्नीज. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 175, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ इज करेक्ट? कैन यू मेड ओरली इन राइटिंग? कैन यू मेड ओरली एंड इन राइटिंग बोथ वेज. दोनों में हो सकता है, बट राइटिंग ज़रूरी नहीं है कोई, बट फिर भी कर सकते हैं. सी इज द आंसर. सेम क्वेश्चन 2008 में. नेक्स्ट 176, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो राइट ऑफ प्रीएम्प्शन इन मुस्लिम लॉ. खलीत है, शरीक है, जार है, मेहरबान नहीं है. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 177, एक क्रिएट्स ए वक्फ ऑफ रुपीज 40,000 फॉर 25 ईयर्स इन मुस्लिम लॉ, द वक्फ इज वॉइड. ए इसका आंसर रहेगा. देखिए वक्फ जो है लिमिटेड नहीं कर सकते, 25 ईयर्स के लिए करना है, दिस इज वॉइड, अनलिमिटेड होना चाहिए. नेक्स्ट 178, ए मुस्लिम मेक्स अ डेथ बेड गिफ्ट ऑफ हिज हाफ प्रॉपर्टी टू हिज सन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस गिफ्ट? गिफ्ट इज इनवैलिड. 1/3 प्रॉपर्टी तक जो है गिफ्ट कर सकते हैं, हाफ का किया है यहाँ पे. नेक्स्ट 179, सन इन मुस्लिम लॉ इज एंटाइटल टू. देखिए ये क्वेश्चन में वहाँ प्रॉपर नहीं है, बिकॉज उसको एक शेयर मिलता है. अब मान लो कि वहाँ पर डॉक्टर भी, तो उसको डबल मिलेगा सन को. तो क्वेश्चन में कहूँगा कि इसमें ऑप्शन जो है ठीक नहीं, क्वेश्चन ही ठीक नहीं है ये. नेक्स्ट 180, हु सेड डाइवोर्स गुड इन लॉ दो बैड इन थियोलॉजी? ये कहा था जस्टिस अमीर अली ने. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 181, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? कुरान है, हदीस है, इजमा है, शरीयत नहीं है. शरीयत क्या है? सेकेंडरी सोर्स है. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 182, कुरान प्रोवाइड्स अ बेस्ट प्रोसीजर फॉर डाइवोर्स, हु मेड दिस स्टेटमेंट? कुलदीप सिंह. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 183, रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ विच मुस्लिम स्कूल? दैट इज मलिकी स्कूल. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 136, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज खलीफा आफ्टर डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद? दैट वॉज अबू बकर. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 137, इफ अ मुस्लिम हस्बैंड हैज फॉल्सली चार्ज हिज वाइफ विद एडल्ट्री द प्रोसेस ऑफ रिट्रैक्ट इज कॉल्ड एज लियन. नेक्स्ट 138, रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ? कौन स्कूल बेस्ड? नेक्स्ट 139, अंडर मुस्लिम लॉ ए डाइवोर्स बाय खुला इज डाइवोर्स विद कंसेंट एंड एट द इंस्टांस ऑफ वाइफ? बी इज द आंसर. नेक्स्ट 140, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर. लीगल इफेक्ट ऑफ डाइवोर्स आर, तो इसमें कोविडेशन इलीगल होता है. येस करेक्ट है. वाइफ इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इद्दत. येस राइट टू कॉन्ट्रैक्ट अदर मैरिज इज अक्रूड. येस अक्रू हो जाएगा, बट इद्दत के बाद ही कर पाएंगे. डाइवोर्सी वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस. नो, वो एंटाइटल रहती है. तो सी इसका आंसर रहेगा. इन यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा हुआ है. नेक्स्ट 141, सुन्नी मुस्लिम कंसिडर्स मुता मैरिज एज वॉइड. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 142, इज सुन्नी मुस्लिम मैरी विद किताबिया गर्ल मैरिज इज वैलिड? ए इज द आंसर. नेक्स्ट 143, अंडर मुस्लिम लॉ मुस्लिम कैन मेक अ विल ऑफ हिज प्रॉपर्टी अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी? बी इज द आंसर. नेक्स्ट 144, इन मुस्लिम लॉ मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेसेस. और देखिए यही लिखा कि सुन्नी में या फिर शिया में. सुन्नी में तो दो विटनेस चाहिए, तो वहाँ पर तो फिर ये वर्ड हो जाएगा. अब शिया में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पर वो वैलिड है. तो ये यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है. लिखना चाहिए था सुन्नी में या फिर शिया में.
नेक्स्ट 145 अंडर मुस्लिम लॉ, मुस्लिम कैन मेक अ गिफ्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू एक्सटेंट ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 146, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट इन मुस्लिम लॉ इज करेक्ट, गिफ्ट कैन बी मेड ओरली ओनली, राइटिंग की जरूरत नहीं है, मेड ओरली और इन राइटिंग बोथ वेज, दोनों कर सकते हैं, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 147, द मोस्ट प्रॉपर डाइवोर्स इज ए हसन तलाक, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 148, व्हेन इन अ मुस्लिम मैरिज मेहर इज अनस्पेसिफाइड, द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट मेहर मिस्ल, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 149, ए मुस्लिम इज प्रोहिबिटेड टू हैव टू वाइव्स एट अ टाइम इफ द टू वाइव्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय कॉन्जुगेनिटी, फोस्टरेज, एफिनिटी, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 150, इन मुस्लिम लॉ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ डिजायर सेपरेशन, द ट्रांजेक्शन इज नोन एज मुबारत, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 151, ए मुस्लिम वुमन गिल्टी ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप इज पनिशेबल फॉर जिना, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 152, मुस्लिम ज्यूरिसप्रूडेंस इज नोन एज फिक, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 153, विडोज राइट टू रिटेंशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ डावर इज अ पर्सनल राइट, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 154, विच इज नॉट अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, मॉस्क या दरगाह इमाम बाड़ा नहीं होता, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 155, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट इज नॉट वॉइड अंडर मुस्लिम लॉ, गिफ्ट बाय प्रधानशील लेडी, अनबोर्न पर्सन, गिफ्ट टू डेड पर्सन, तो गिफ्ट टू डेड पर्सन इज वॉइड, गिफ्ट टू अनबोर्न पर्सन इज वॉइड, तो प्रधानशील लेडी को वॉइड नहीं होगा, ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 156, प्रोविजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज गिव्स राइट ऑफ जुडिशियल डाइवोर्स टू वाइफ ओनली, बी इज द आंसर, हस्बैंड के पास तो पहले से ही तलाक का राइट है ना. नेक्स्ट 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, किया है, कुरान है, इजमा किया है, उर्फ और तामूल नहीं है, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 158, डोवर इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू वाइफ, कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, एसेंशियल इंसिडेंस ऑफ मैरिज, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 159, अकॉर्डिंग टू शिया लॉ टू एग्जीक्यूट द मैरिज प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नॉट नेसेसरी, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 160, एन एक्नॉलेजमेंट विद रिगार्ड टू चिल्ड्रन कैन बी फॉर सन एंड डॉटर बोथ, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 3, आफ्टर डाइवोर्स अ मुस्लिम वुमन कैन नॉट री मैरी, कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत पीरियड, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 104, हाउ मेनी विटनेसेस आर नेसेसरी इन शिया मुस्लिम मैरिज, नो विटनेसेस रिक्वायर्ड, इन डाइवोर्स दे रिक्वायर टू विटनेसेस, एंड दिस इज वाइस वर्सा इन सुन्नी, मैरिज में दो चाहिए और डाइवोर्स में नन. नेक्स्ट 115, इन शिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ अमाउंट ऑफ मेहर इज नॉट लीगली फिक्स्ड, ए इज द आंसर. 116, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस इज रिलेटेड विद वक्फ्स, ट्रस्ट पर अप्लाई होती है डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस, मतलब अगर आप जो उसका अल्टीमेट पर्पस अचीव नहीं कर पा रहे तो नियर बाय पर्पस जो है वो अचीव कर ले, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस. नेक्स्ट 117, द टर्म मुशा अंडर मुस्लिम लॉ मीन्स अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 118, ए सुन्नी मुस्लिम परफॉर्म्स अ मैरिज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, द मैरिज इज इरेगुलर, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 119, ए मुस्लिम मदर इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ हर फीमेल चाइल्ड अंटिल शी अटेन्स एज ऑफ प्यूबर्टी, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 120, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज बाय एग्रीमेंट इज नोन एज खुला, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 121, विच वसीयत इज इनवैलिड इन मुस्लिम लॉ इन फेवर ऑफ रिलीजियस स्कूल, हो जाएगा किलर ऑफ लेगेटर, ये नहीं हो सकता, बी इज द आंसर, चैरिटी में हो जाएगा, नॉन मुस्लिम भी हो जाएगा. नेक्स्ट 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, एब्सेंस ऑफ हस्बैंड फॉर इयर्स, यस ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर टू ईयर्स, सेवन ईयर और अपवर्ड है, तो इसमें गलत कौन सा हो गया, बी फेलियर हस्बैंड टू पेंटेन, ये हो गया, इम्पोर्टेंस ये भी हो जाएगा, बी इज द आंसर.
नेक्स्ट पॉइंट 23, इफ पार्टीज टू अ हिंदू मैरिज आर स्पिंडास टू ईच अदर द मैरिज इज वॉइड, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 124, अ हिंदू मैरिड वुमन ऑफ 32 ऑफ एज अडॉप्ट्स अ मेल चाइल्ड ऑफ 8 ईयर्स विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, अडॉप्शन इज वैलिड, ए इज द आंसर. कैसे 21 ईयर का गैप होना चाहिए, तो अब 21 ईयर से 8 लगाओ तो 29 ही हुए, 32 ईयर्स ऑफ एज है, हस्बैंड की कंसेंट है तो वैलिड होगा. सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट दी अदर कंडीशन 21 ईयर एज वाली ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. नेक्स्ट 125, ए हिंदू डाइज इंटरस्टेट लिविंग बिहाइंड टू सन्स वन डॉटर वन विडो, हिज प्रॉपर्टी शैल डिवोल्व ऑन ऑल ऑफ देम, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 126, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू मुस्लिम लॉ, नेफिगेट ट्वाइस द शेयर ऑफ नीज, नो रॉन्ग है, सन गेट्स ट्वाइस द शेयर ऑफ डॉटर, यस, ब्रदर गेट्स ट्वाइस द शेयर ऑफ सिस्टर, यस, विडोवर गेट्स ट्वाइस द शेयर ऑफ विडो, यस. गलत कौन सा हुआ इसमें, ए. नेक्स्ट 151, व्हाट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, कस्टम्स, ए इज द आंसर, कस्टम्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. नेक्स्ट 152, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, शरीयत एक्ट, मुस्लिम रेजोल्यूशन, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 153, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लॉज अप्लाइज इन इंडिया, मुस्लिम पिनल लॉज, एविडेंस, सेल ऑफ गुड्स, ओनली मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 154, हु अप्लाइज किया फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, इमाम अबू हनीफा, ए इज द आंसर. रिपीट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है पहले. नेक्स्ट 155, अ मुस्लिम लॉ मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 156, हु कैन बी गार्जियन इन माइनर्स मैरिज इन सुन्नी लॉ, मदर इन प्रेजेंस ऑफ फादर या फिर फादर, फादर रहेगा, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 167, अंडर मुस्लिम लॉ द राइट ऑफ शुफा इज फर्स्टली अवेलेबल टू शफी शरीक, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, श्रुति, इट इज सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 169, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ अ वाइफ ऑन नॉन पेमेंट ऑफ डॉवर, रिफ्यूजल टू कोहबिट, यस, डॉवर इज अ डेट, यस, रिटेन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, यस, इंक्रीज और डिक्रीज डॉवर, नो, ये नहीं हो सकता, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 170, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ तलाक, रिफ्यूजल फॉर तलाक इज नॉट अ मोड, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 171, इन केस ऑफ डाइवोर्स द पीरियड ऑफ इद्दत इज 3 लूनर मंथ्स, बी इज द आंसर. डेथ के केस में कितना है, 4 मंथ्स एंड 10 डेज. नेक्स्ट 172, मुता फॉर्म ऑफ मैरिज इज रिकॉग्नाइज बाय इतना शरिया स्कूल ऑफ शिया लॉ, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 173, द रूल ऑफ रेटेबल अबेटमेंट अप्लाइज इन वसीयत, ए इज द आंसर. विल के केस में ये अप्लाई होता है. नेक्स्ट 174, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इन मुस्लिम लॉ इज नोन एज मुबारत, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 175, प्रिंसिपल ऑफ मुशा इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हनाफी लॉ, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 176, बिक्वेस्ट ऑफ लाइफ इन मुस्लिम लॉ इज वैलिड, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 177, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस रिलेटेड विद वक्फ, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 178, हिबा ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इन मुस्लिम लॉ इज इनवैलिड, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 179, सुन्नी मुस्लिम मैरिज अ किताबिया गर्ल, द मैरिज इज वैलिड, बी इज द आंसर, शिया में नहीं होगी. नेक्स्ट 180, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन 1939, C is the answer. Next 181, Shariat Act 1937 came into operation on 7 October 1937, D is the answer. Next 182, marriage in Islam is a contract, A is the answer. Next 183, which of the following is not an essential of valid Hiba? So,
डिक्लेरेशन एक्सेप्टेंस पोजेशन होना चाहिए, राइटिंग रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 184, बोहरा कम्युनिटी फॉलोज विद स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, इस्माइली, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 185, अंडर मुस्लिम लॉ अ विल मे बी मेड ऑफ 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 186, डावर मेहर एब्सोल्युटली बिलोंग्स टू वाइफ ओनली, ए इज द आंसर। सो हियर वी हैव फिनिश्ड द पार्ट वन जीके। सो नाउ लॉ कम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड फॉर डिटरमाइनिंग मेहर मिसल। सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम मुस्लिम पर्सनल लॉ। सो द एज ऑफ लेडी चार्मिंग ब्यूटी एजुकेशन इंटेलेक्ट बिफोर माई लेडी वॉज अ बिलव्ड गर्लफ्रेंड, दिस इज नॉट अ ग्राउंड, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 52, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मुतावली ऑफ अ वकीफ सन नॉन मुस्लिम वेयर रिलीजियस एक्ट्स आर टू बी परफॉर्म्ड, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल फॉर अ वैलिड गिफ्ट हिबा अंडर मुस्लिम लॉ, रजिस्ट्रेशन इज नॉट वैलिड, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 54, अ डावर डेट इज अ अनसिक्योर्ड डेट एंड अ एक्शनेबल क्लेम, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 55, गोविंद दयाल वर्सेज इनायतुल्ला इज अ लीडिंग केस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज ऑन प्रीएम्पशन, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 56, अंडर डिसेंशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज अवेलेबल हस्बैंड अ वाइफ टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टू वाइफ ओनली, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 57, वेयर द वाइफ इज नॉट प्रेगनेंट द पीरियड ऑफ इद्दत इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड इज 4 लूनर मंथ्स, सो 4 मंथ एंड 10 डेज, इट इज सी इज द आंसर। नेक्स्ट 58, अ मैरिज विद अ वुमन अंडरगोइंग इद्दत इज इरेगुलर, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 59, अंडर मुस्लिम लॉ इंसैनिटी इज ग्राउंड फॉर गेटिंग द मैरिज एज अवॉइडेबल, जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 60, ए सेल्स अ हाउस टू बी डायरेक्टिंग बी दैट ही कैन नॉट रिजाइड इन इट बट कैन यूज इट ओनली एज अ गोडाउन एज अ शॉप, द कंडीशन इज void, B is the answer. Next 190, who has observed Muslim marriage both a civil contract and a religious sacrament, that is Justice Sir Shah Suleiman, C is the answer. And case ka naam kya tha, Anis Begum versus Muhammad Istafa, 1933 ka case hai ye. Next 191, which of the following is correct with respect to marrying a fifth wife while the four wives are alive, it is void under Shia law only, Sunni law mein kya hai ye, irregular hai, irregular in Sunni law. Next 192, what is the effect of Muslim marriage where the age of bride is below the age of puberty but consent was given by guardian, the marriage is voidable at the option of the bride, A is the answer. Under Muslim Woman Protection of Right on Divorce Act, under subsection 2 and clause 7. Next 193, which of the following is not a secondary source of Muslim law, custom, judicial decisions, justice, security, good conscience, ijma is primary source, so it is not secondary, C is the answer. Next 194, muta marriage is allowed in which of the following schools, Ithna Sharia of Shia, B is the answer. Next 195, a prompt dower is payable at time of marriage, a fixed date demanded by the wife, when demanded, C is the answer, that is prompt dower. Next 196, which of the following is a requisite for a valid marriage under Muslim law, consanguinity, affinity, fosterage, no, only proposal and acceptance at time of marriage, C is the answer. Next 197, which one of the following is not a ground of divorce under Special Marriage Act, that is conversion, A is the answer. Next 198, Muslim jurisprudence is known as fiqh, A is the answer. Next 199, after divorce a Muslim woman can remarry,
इमीडिएटली आफ्टर डाइवोर्स नो शी हैज़ टू वेट टिल द पीरियड ऑफ इद्दत इज ओवर बी इज द आंसर नेक्स्ट 200 अंडर मुस्लिम लॉ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अ गर्ल हु लिव्स सेपरेट फ्रॉम हर फादर ए सन्स विडो फ्रॉम हर फादर इन लॉ वाइफ एब्सकॉन्डेड विद सम अदर पर्सन अ वैलिडली मैरिड मुस्लिम गर्ल हु हैज अटेंड प्यूबर्टी डी इज द आंसर यहाँ स्टार्ट हो गया मुस्लिम लॉ क्वेश्चन 57 अंडर मुस्लिम लॉ द फॉलोइंग आर गार्जियन फॉर मैरिज ऑफ ए माइनर फादर मदर ब्रदर स्टेट ऐसे आएगा तो पहले आएगा फादर ब्रदर फिर मदर फिर स्टेट तो 1, 4, 2, 3 सी इज द आंसर नेक्स्ट 58 मुता मैरिज कम्स टू एंड बाय हिबाय मुद्दत बी इज द आंसर एंड ये हमने 2015 वाले में भी जो है डिस्कस किया था नेक्स्ट 59 मुस्लिम वुमेन नीड टू ऑब्जर्व इद्दत इन विच द फॉलोइंग मुता मैरिज रेगुलर मैरिज वैलिड मैरिज ऑल ऑफ द अबव इद्दत पीरियड इज नेसेसरी टू बी ऑब्जर्व आफ्टर डिवोर्स और डेथ ऑफ हस्बैंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ मलिकी स्कूल सी इज द आंसर नेक्स्ट 61 देखिए खिलावत और साहिदा इट इज नॉट खिलावत और दिस खिलावत उर सहीना कनोट्स अ वैलिड रिटायरमेंट अबाउट वॉट फ्रॉम मैरिटल ऑब्लिगेशंस वेन हजबैंड एंड वाइफ आर कम टू अ एज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद एनीबडी विद रिगार्डिंग टू मैरिज एंड दे डिवोटेड देमसेल्फ टुवर्ड्स द रिलीजन सो इट इज कॉल्ड एज खिलावत उर सहीना नेक्स्ट इज 62 अ डावर डेट इज एन एक्शनेबल क्लेम B is the answer and it is also an unsecured debt. This question was asked in 2016. Unsecured debt. Voila. Next is 63. Which of the following is the legal consequence of divorce under Muslim law? Parties acquire the right to contract another marriage. Cohabitation become unlawful. Mutual right of inheritance ceases. All of the above. Iska answer kya rahega? All of the above. D is the answer because wo dusri shaadi kar sakte hain. कोहबिटेशन का अनलॉफुल हो जाएगा इनहेरिटेंस सीज हो जाएगी सिर्फ राइट टू मेंटेनेंस रहता है वो भी अप टू अ सर्टेन लेवल ऑलराइट नेक्स्ट 64 व्हेन अ मुस्लिम मदर लूजेस हर राइट ऑफ हिजानत कस्टडी बाय हर अपोस्टेसी मिसकंडक्ट मैरिंग विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर क्या रहेगा ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट 65 अमंग मुस्लिम्स विच स्कूल डज नॉट मेंशन मिनिमम अमाउंट ऑफ डॉवर शाफई सी इज द आंसर Next is 66. Who is the natural guardian of Muslim female child? Obviously, father. A is the answer. Next is 67. Implied and contingent talaq is not approved by Shia. B is the answer. Next is 68. A Muslim woman can seek divorce if the husband is not traceable for a period of 4 years. Section 2, Clause 1 of Dissolution of Muslim Marriage Act provides for the same. Next is 69. Under Muslim woman, protection of rights on divorce act, the option to be governed by the provision of section 125 CRPC may be given by the parties either jointly or separately. A is the answer. And this is mentioned in section 5 of Muslim woman protection of right on divorce act. Next is 70. A Muslim divorced woman can apply directly to the waqf board when there is no relative to support her. This was held in which case? सेक्रेटरी तमिलनाडु वक्फ बोर्ड वर्सेस सैयद फातिमा नाची सी इज द आंसर नेक्स्ट 71 एम द मदर ऑफ मुस्लिम माइनर डॉटर कॉन्ट्रैक्टेड हर इन मैरिज द लाइफ टाइम ऑफ द फादर हु हैड बिकम एन अपोस्टेट द मैरिज इज वॉइड नेक्स्ट 72 ए मैरिज ऑफ ए मोमेंट हु इज साउंड माइंड एंड हैज अटेंड प्यूबर्टी इज ब्रॉट अबाउट विदाउट हिज कंसेंट द मैरिज विल बी इररेगुलर B is the answer. Under which one of the following schools of Muslim law, Muta marriage is recognized? It is recognized in Itnashari school. Next is 183. Where the person who performed nigah is dead, the proof of marriage will be given by the witness. Next question 184. A Muslim widow remarries during the period of Iddat. The marriage is fasid.
नेक्स्ट इज 185. मुशा अंडर मुस्लिम लॉ मीन्स व्हाट? मुशा एन अनडिवाइडेड शेयर इन दी प्रॉपर्टी. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. 186. अंडर मुस्लिम लॉ अ बिक्वेस्ट कैन वैलिडली बी मेड टू अ चाइल्ड इन वूम्ब सो लॉन्ग इट इज बोर्न फ्रॉम द डेट ऑफ अ विल विद इन द पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज 187. क्रिएटिंग अ वक्फ मीन्स डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू हूम? टू द गॉड. नेक्स्ट इज 188. शरियत एक्ट 1937 कंटेन्स ओनली हाउ मच सेक्शन? 6 sections. बी 189. अकॉर्डिंग टू हनाफी लॉ अ मदर इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी हिजानत ऑफ अ मेल चाइल्ड टिल द एज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 7 years. Next is 190. Khiyarul Bulugh means option of puberty, a form of dower, a form of valid marriage or infidelity. Khiyarul Bulugh is option of puberty. Option A. 191. Dissolution of Muslim marriage in 1939 specifies certain grounds of divorce which are available to whom? To wife only. 192. In which of the following cases the Supreme Court has recognized the validity of adoption of a child even by a Muslim? Is option A Shabnam Hashmi versus Union of India and others. 193. A Muslim wife's right to dower can be claimed as preferential debt, ordinary unsecured debt along with other creditors, an ordinary debt with but priority over other creditors, a secured debt. Right answer is option B, ordinary unsecured debt along with other creditors. 194. How much time of abstinence is required in illa form to enforce the dissolution of marriage under Muslim law? Abstinence of how much months? 4 months. Right answer is option C, 4 months. Next is 195. Under Muslim law, the term fusk is used to denote restitution of conjugal rights, dissolution of marriage by judicial decree at instance of husband, judicial separation, dissolution of marriage by judicial decree at instance of wife. Is the fusk is dissolution of marriage by judicial decree at the instance of wife. Fusk. 196. Under Muslim law, in the matter of a marriage, if there is a conflict between the views of minor and guardian, the law will give the priority to whom? To the guardian. 197. A sick man makes a bequest and being unable to speak from weakness gives a nod with his head and he dies without regaining the power of speech. The bequest is what? Is void, irregular, valid or none of the above? Will be considered as valid. 198. A right of divorce by lien is available to the wife when the husband accuses the wife of what? Of adultery. 199. In the Hassan form of talaq, the talaq is effective from the moment of pronouncement on expiration of iddat period on the third pronouncement from the execution of writing of talaq nama. The right answer is Hassan form. Kaun si hoti hai? On the expiration of iddat period. 200. In which of the following case the Supreme Court has held that the three talaqs would be treated as a single talaq and not a valid talaq? Which case? Shamimara versus State of UP, AIR 2002. अब यहाँ स्टार्ट हो गया मुस्लिम लॉ. क्वेश्चन है 115. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. अब देखिए यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन गलत पूछ लिया है. इजमा और किया जो है ये प्राइमरी सोर्सेज हैं एंड कस्टम एंड जुडिशियल डिसीजंस आर सेकेंडरी सोर्सेज. तो ये क्वेश्चन ही गलत है. तो इसमें ऑप्शन दोनों सी एंड डी ठीक होंगे क्योंकि पूछा है नॉट अ सेकेंडरी. तो ये इजमा एंड किया तो प्राइमरी हैं. सुन्नत, इजमा, किया, दीज आर प्राइमरी सोर्सेज. जुडिशियल डिसीजंस, कस्टम्स, लेजिस्लेशन, देर आर सेकेंडरी सोर्सेज. ओके, तो सी एंड डी आर करेक्ट. नेक्स्ट इज 116. असेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज आर कबूल ओनली, इजब ओनली, बोथ कबूल एंड इजब. सी इज द आंसर. ये सब क्या होता है? ऑफर मतलब प्रपोजल दे रहे हैं, कबूल मतलब एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट इज 117. ड्यूरिंग द टर्म ऑफ मुता मैरिज द वाइफ हैज राइट टू डाइवोर्स, द हस्बैंड हैज राइट टू डाइवोर्स,
हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव राइट टू डाइवोर्स, नीदर हस्बैंड नॉर द वाइफ हैज द राइट टू डाइवोर्स. तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी, नीदर द हस्बैंड नॉर द वाइफ हैज राइट टू डाइवोर्स बिकॉज मुता मैरिज इज फॉर अ सर्टेन पीरियड. इसको कैसे खत्म कर सकते हो आप, हिबाए मुद्दत. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 118, इन मुस्लिम मैरिज वेयर द एज ऑफ द ब्राइड इज बिलो द एज ऑफ प्यूबर्टी बट कंसेंट ऑफ मैरिज वाज गिवन बाय द गार्जियन, द मैरिज इज वॉइडेबल. दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ग्राउंड गिवन टू मुस्लिम वाइफ टू रेपुडिएट द मैरिज. एंड रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 का ग्राउंड 7 है ये. नेक्स्ट 119, मैरिज बिटवीन टू पर्सन विद कॉन्जुगिनिटी रिलेशनशिप अंडर मुस्लिम लॉ इज बातिल. कॉन्जुगिनिटी मतलब ब्लड रिलेशन. नेक्स्ट 120, द मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट इद्दत हैज टू बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ डाइवोर्स बाय हस्बैंड, डेथ ऑफ हस्बैंड, बोथ डाइवोर्स बाय हस्बैंड और एंड डेथ ऑफ हस्बैंड, सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 121, इन मुस्लिम लॉ डाइवोर्स बाय लियन इज अ राइट अवेलेबल टू वाइफ ओनली, तो ए इज द आंसर. नेक्स्ट 122, हिबा ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इन मुस्लिम लॉ इज वॉइड, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 123, मुस्लिम लॉ विल मे बी मेड ऑफ 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी, उससे ज़्यादा होगी तो सबकी जितने भी आपके लीगल हायर्स हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कर सकते हैं, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 124, इफ डोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट द गिफ्ट इज वॉइड. नेक्स्ट 125, आफ्टर डाइवोर्स अ मुस्लिम वुमन कैन वैलिडली री मैरी इमीडिएटली आफ्टर डाइवोर्स, नो, आफ्टर ऑब्जर्विंग इद्दत पीरियड, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 126, अंडर मुस्लिम लॉ ए मैरिड वुमन हु शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ वेयर अबाउट्स ऑफ हस्बैंड हैज नॉट बीन नोन फॉर पीरियड ऑफ 4 years इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2(1). 2(2) में क्या है, नेगलेक्ट और फेल्ड टू मेंटेन फॉर 2 years. 3 में क्या है, कन्विक्टेड फॉर मोर देन 7 years. एंड 2(4) में क्या है, फेल्ड टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर 3 years. इसका आंसर है ए. नेक्स्ट 127, ए प्रॉम्प्ट डावर इज पेबल वेन डिमांडेड बाई वाइफ, बी इज दी आंसर. वेन एवर वाइफ डिमांड्स प्रॉम्प्ट डावर शैल बी पेड. नेक्स्ट 128, इन अ मुबारक डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ अवर्जन इज म्यूचुअल ऑन द बोथ दी साइड्स, सी इज दी आंसर. नेक्स्ट 129, इन शिया मुस्लिम मैरिज हाउ मेनी विटनेसेस आर कंपल्सरी, नो विटनेसेस रिक्वायर्ड इन शिया, ओनली सुन्नी में जो है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018, देयर वाज आस्क फॉर सुन्नी, हाउ मेनी विटनेसेस, सुन्नी में चाहिए टू विटनेसेस, शिया में कोई विटनेस नहीं, बट शिया में डाइवोर्स में चाहिए 2 witnesses, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 130, एग्जीक्यूटर ऑफ अ विल ऑफ मुस्लिम मे बी मुस्लिम ओनली, क्रिश्चियन ओनली, हिंदू ओनली, आइदर मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन, कैन बी आइदर हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 131, ए मुस्लिम कैन मैरी एनी नंबर ऑफ वाइव्स नॉट एक्सीडिंग 4 इफ मुस्लिम मैरिज 5th, सच मैरिज शैल बी इरेगुलर, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट ऑफ प्रीएम्पशन, राइट टू सीक इविक्शन ऑफ टेनेंट एंड गेट पोजेशन, नो, राइट टू परचेज प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू द अदर पर्सन, यस, बी इज द आंसर. भाई आप किसी और को बेच रहे हो, पहले मुझे बेचो, दैट इज प्रेफरेंशियल राइट एंड दैट इज प्रीएम्पशन, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 133, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट ओनली इन केस ऑफ ट्रिपल तलाक हलाला इज मैंडेटरी बिफोर री मैरिंग टू सेम हस्बैंड, केस ऑफ मिसेस सबा अदनान समी वर्सेज अदनान समी, सी इज द आंसर. 134, अंडर मुस्लिम लॉ ए मैन इज फॉरबिडन टू हैव 2 wives एट द सेम टाइम इफ रिलेटेड विद ईच अदर बाय कॉन्जुगिनिटी एफिनिटी फॉस्टरेज, ऑल ऑफ दीज, डी इज द आंसर. इन सम सेक्स ओनली फॉस्टरेज इज फॉरबिडन, अदरवाइज कॉन्जुगिनिटी एफिनिटी इज नॉट फॉरबिडन. तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है मुस्लिम लॉ. क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है, देखिए, द टर्म उर्फ अंडर द मुस्लिम लॉ मीन्स इट इज़ अ सेकेंडरी सोर्स, का मतलब क्या होता है, कस्टम्स, कस्टम्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स है विच सप्लीमेंट्स इट, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी. नेक्स्ट 152, तलाकुल बिद्दत अंडर मुस्लिम लॉ इज कंप्लीट एंड इरेवोकेबल. देखिए ये पोजीशन थी 2019 से पहले, अब क्या है ये, वॉइड एंड इलीगल. ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 31 July 2019, और देखिए ये लिखा हुआ सेक्शन 3 में, द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय मुस्लिम हस्बैंड अपॉन वाइफ शैल बी वॉइड एंड इलीगल.
तलाक कौन सा है, इसमें तलाक ए बिद्दत और अ सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक हैविंग इंस्टेंटेनियस एंड इरिवोकेबल डाइवोर्स। राइट, उस टाइम पर तो ये आया नहीं था, तो इसका आंसर था कंप्लीट एंड इरिवोकेबल, ए वाज द आंसर। बट अभी क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि वॉइड एंड इलीगल है। नेक्स्ट 153, मुस्लिम मेक्स अ गिफ्ट इन फेवर ऑफ अ नॉन मुस्लिम, द गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ इज वैलिड एज रिलीजन इज इमेटेरियल इन अ गिफ्ट, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट 154, अंडर सुन्नी लॉ अ मैरिज परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत इज इरेगुलर फसीद, सेम वॉज आस्क्ड इन 2019। नेक्स्ट 155, ए बिक्वेस्ट मेड टू अ पर्सन हु कॉज डेथ ऑफ टेस्टेटर इंटेंशनली अंडर सुन्नी लॉ इज void, B is the answer. Next 156, which of the following will not be subject matter of mehar, crop produced next year, services of teaching of Quran, amount in terms of money, land on building, crops product of next year मतलब future property is not a subject matter of mehar, A is the answer. Next 157, under dissolution of Muslim marriage, a Muslim wife can get a decree of divorce if the husband has been insane for a term of 2 years. B is the answer. Next 158, a bequest to a child in womb is valid under Muslim law if a child born alive within 6 months from date under Sunni law and 10 months under Shia law. Same question was asked in 2018. Answer is C. Next 159, acknowledgement of legitimacy about a child made by Muslim is irrevocable. B is the answer. Next 160, dissolution of Muslim due to apostasy of Islam by husband is effective immediately. C is the answer. No need for declaration of any type. Next 161, a gift made by Muslim may be revoked before delivery of possession by heirs of the donor by family members. Answer would be before delivery of possession. Once possession is given, it is irrevocable. Next 162, a source of right of preemption in India can be attributed to Hindu law or Muslim law, but it would be Muslim law. So B is the answer. Next 163, a Sunni marriage without witnesses irregular because two witnesses are required. And but in Shia there is no witness required in marriage, that is valid without witnesses, but in divorce there must be two witnesses in Shia law. Next 164, if there is stipulation on the part of women before marriage to forego all her rights to dower, or even if she agrees to marry without any dower, the stipulation or agreement will be invalid. D is the answer. Next 165, hiba is immediate unqualified transfer of the corpus of property without any return. Definition was given by Tayyib G. C is the answer. Next 166, who the following person cannot claim the right of preemption? Relative of preemptum. D is the answer. Next 167, under Muslim law puberty is presumed at the age of 15 years. So C is the answer. अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया मुस्लिम लॉ। क्वेश्चन इज 142, टूहर मीन्स पीरियड बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, टूहर क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ प्योरिटी। ओके, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 143, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ, इट इज तलाक ए हसन। ठीक है, इसमें ओनली वंस प्रोनाउंस करते हैं एंड रिवोकेबल रहता है। हसन में क्या होता है कि तीन बार प्रोनाउंस करना होता है, तीन मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में, और ये भी रिवोकेबल होता है यहाँ तक। बिद्दत इज ट्रिपल तलाक, नॉट अप्रूव्ड। नेक्स्ट 144, ए मैरिज ऑफ सुन्नी मेल विद अ मुस्लिम फीमेल ऑफ एनी सेक्ट इज वैलिड, मुस्लिम है ना, मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम उसे कर सकते हैं, तो वैलिड रहेगा। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ, कौन सा नहीं है सुन्नी लॉ में, मुताजिला, तो डी इज द आंसर, बिकॉज मुताजिला इज अनदर सेक्ट, शिया है सुन्नी है, मुताजिला इज अनदर सेक्ट। नेक्स्ट 146, हिजानत मीन्स कस्टडी ऑफ मदर अपॉन चाइल्ड ओनली, फादर अपॉन चाइल्ड ओनली, ब्रदर अपॉन चाइल्ड ओनली, बोथ ए एंड बी, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 147, ए मुस्लिम वाइफ मे सू फॉर डाइवोर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट इफ हस्बैंड हैज बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, और ये कहाँ पर मैंशन किया गया है, ये सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में मैंशन किया गया है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में। B is the answer. Next 148, when a Muslim wife can relinquish her mehar, she is minor, not less than 18, attained puberty, not less than 21, so when she attained
एज ऑफ प्यूबर्टी, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 149, मुस्लिम लॉ गिफ्ट इन फेवर ऑफ अनबोर्न पर्सन एक्सेप्ट अंडर सर्टेन केसेस और कंडीशन इज वॉइड, ए इज द आंसर. बट ये वैलिड होता कब, जब वो बिगोटन होता मतलब इन द वूम्ब होता एंड विद इन 6 मंथ जो है पैदा हो जाता, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखी हुई है तो इट इज़ वॉइड. नेक्स्ट 150, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल इंसिडेंट ऑफ वक्फ, इरिवोकेबिलिटी होती है, परपेचुइटी होती है, इनएलियनेबिलिटी होती है, यूनिवर्सल, इट इज नॉट यूनिवर्सल, डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 151, शायरा बानो यूनियन ऑफ इंडिया केस रिलेटेड विद ट्रिपल तलाक, ए इज द आंसर. 152, ए मुस्लिम इलेजिटिमेट चाइल्ड इज कैप्ट इन द कस्टडी ऑफ मदर, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 153, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड इज फसीद, बी इज द आंसर. फसीद मीन्स इरेगुलर, बातिल इज वॉइड, नॉट अलाउड. अब यहाँ से स्टार्ट होता है मुस्लिम लॉ. क्वेश्चन 118, मुस्लिम डज नॉट अप्लाई टू विच द फॉलोइंग गिफ्ट्स, जस्ट ट्रस्ट, मेंटेनेंस, सक्सेशन टू एग्रीकल्चरल लैंड, सो डी इज द आंसर. ऐसे क्वेश्चन नंबर 119, हु डिलीवर द डिसेंटिंग माइनॉरिटी जजमेंट इन ट्रिपल तलाक के, इट वॉज जस्टिस कहर सिंह, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 120, अंडर वक्फ एक्ट 1995, द पावर ऑफ ट्राइबल टू डिटरमाइन डिस्प्यूट रिगार्डिंग अकोफ इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये दिया गया है सेक्शन 7 में, मेंशन इन सेक्शन 7, सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 121, अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज अवेलेबल, हस्बैंड ओनली, वाइफ ओनली, हस्बैंड वाइफ बोथ, अप्रूवल ऑफ गार्जियन टू वाइफ ओनली, बी इज द आंसर. क्योंकि सेक्शन 2 में लिखा हुआ है ना कि ग्राउंड्स आर अवेलेबल ओनली टू मुस्लिम वुमन. नेक्स्ट 122, विच वन इज नॉट रिकोगनाइज ब्रांच ऑफ सुन्नी, सो इतना आशारिया इज नॉट रिकोगनाइज अंडर सुन्नी लॉ. नेक्स्ट 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू लीगल इंसिडेंट ऑफ वक्फ, वकीफ सीज टू हैव एन इंटरेस्ट इन इट, यस. प्रॉपर्टी सीज टू बी हेरिटेबल, यस. वक्फ बिकम इरेवोकेबल, यस. वकीफ हैज राइट टू ऑल्टर द वक्फ, नो. वंस गिवन इन वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 124, गोविंद दयाल वर्सेज इनायतुल्ला इज लीडिंग केस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इट वॉज ऑन प्रीएम्पशन, सो बी इज द आंसर. 125, जुडिशियल फैमिली कोर्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज, लिंगायत, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट अंडर डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम मैरिज मे बी डिसॉल्वड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बाय द हस्बैंड अलोन, बाय प्रोनाउंसिंग तलाक, बाय वाइफ प्रोनाउंसिंग रेवरेंस ऑफ रिलेशनशिप, द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, कोर्ट इन पटिशन फाइल्ड बाय वाइफ, तो ये है कोर्ट इन पटिशन फाइल्ड बाय वाइफ, बिकॉज द राइट अंडर सेक्शन 2 इज गिवन ओनली टू मुस्लिम वाइफ, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 127, मुता मैरिज इज परमिटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, इन ऑल ब्रांचेस ऑफ हनाफी, इतना शरिया, मलिकी, हनाफी, ऑल ब्रांचेस ऑफ शिया स्कूल, तो ये है ओनली इन इतना शरिया ब्रांच ऑफ शिया स्कूल. अब देखिए, नाउ यू कैन सी, देखिए यहाँ पर इतना आश्चर्य ब्रांच शिया स्कूल की है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था सुन्नी स्कूल में कौन नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं, कई क्वेश्चन के आंसर आपको पेपर में ही मिल जाते हैं. यहाँ स्टार्ट हो गया मुस्लिम लॉ. नेक्स्ट 117, सुन्नी लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज मुता टेम्पररी मैरिज, बी इज द आंसर, बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज अंडर ओनली इतना आश्चर्य शिया ऑफ मुस्लिम्स. नेक्स्ट 118, ए मुस्लिम मेल ऑलरेडी हैविंग 4 wives हैज कंटेक्टेड द फिफ्थ मैरिज, द फिफ्थ मैरिज इज, अब देखिए क्वेश्चन में कहूँगा प्रॉपर नहीं है बिकॉज ये मुस्लिम मेल लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि सुन्नी है शिया है, अगर सुन्नी है तो ये इरेगुलर है और शिया है तो वॉइड है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं इसके, एंड इस क्वेश्चन को जो है डिलीट भी कर दिया गया था UKPSC द्वारा. ऐसे क्वेश्चन 119, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ हिंदू डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, अपोस्टेसी फ्रॉम इस्लाम ऑफ ए मुस्लिम वाइफ क्या होता है, विल नॉट डिसॉल्व हर मैरिज इप्सो फैक्टो, उसके कन्वर्ट होते ही इसकी मैरिज डिसॉल्व नहीं हो जाएगी, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल वैलिड गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, एंड रिटर्न डॉक्यूमेंट्री प्रूफ गिफ्ट इज नॉट नेसेसरी, डी इज द आंसर, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, नॉट असेंशियल. नेक्स्ट 121, ए मुस्लिम फीमेल कैन परफॉर्म अ वैलिड मैरिज विद नॉन मुस्लिम अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, सो ए इज द आंसर. नेक्स्ट 122, हु इज डिसेंटाइटल टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू माइनर अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, इट इज डिफेक्टो गार्जियन, ए इज द आंसर. डिफेक्टो गार्जियन कौन होता है, जो अपने आप आके कहता है कि हाँ जी इसका गार्जियन मैं हूँ.
नेक्स्ट इज 123 अंडर 21 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट द वर्ड डिपेंडेंट मींस फादर ओनली मदर ओनली विडो ऑल ऑफ दीज दीज द आंसर नेक्स्ट इज 124 दत्तक मीमांसा एंड दत्तक चंद्रिका आर रिलेटेड टू देखिए वर्ड दत्तक दत्तक क्या होता है अडोप्टेड किससे रिलेटेड होगा फिर अडोप्शन से सी इज द आंसर नेक्स्ट 125 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ अंडर मुस्लिम लॉ सेलिब्रेटिंग ऑफ बर्थ ऑफ अली मुर्तजा यस ईदगाह के लिए यस पेमेंट ऑफ मनी टू फकीर्स यस अ वक्फ इन फेवर ऑफ अटर स्ट्रेंजर्स नो इट इज नॉट वैलिड डी इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 द मैक्सिमम शेयर्स ऑफ मदर एंड विडो अंडर सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मे बी और देखिए यहाँ पर ना ये नहीं लिखा हुआ कि विद चिल्ड्रन या विदाउट चिल्ड्रन देखिए विद चिल्ड्रन अगर है लिखते हैं हम विद एंड विदाउट चिल्ड्रन चिल्ड्रन ठीक है तो जो मदर का शेयर होता है वो अगर विद चिल्ड्रन है तो मदर का हो जाएगा 1/6 और विडो का रहेगा 1/8 अगर विदाउट चिल्ड्रन है तो मदर का रहेगा 1/3 एंड विडो का हो जाएगा 1/4 तो हियर वी प्रज्यूम कि इट इज विदाउट चिल्ड्रन विदाउट चाइल्ड राइट हियर ओके द आंसर वुड बी ए मदर का रहेगा 1/3 एंड विडो का 1/4 नेक्स्ट 127 Who is natural guardian of property of minor under Muslim law? Father sees the answer. Repeat question. Next 128. A marriage with a Muslim woman undergoing iddat. अब देखिए फिर से वही है शिया है सुन्नी है वो mention नहीं किया अगर सुन्नी है तो irregular हो जाएगी अगर शिया है तो void हो जाएगी तो यहाँ पर भी दोनों ही answer हो सकते हैं इसको भी जो delete कर दिया गया था UKPSC द्वारा Next 129. Muslim law. When wife and husband seek divorce on mutual consent, it is called as it is mubarak. A is the answer. सो फ्रेंड्स ये थे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मुस्लिम लॉ जो कि हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम द ईयर 2002 टू 2022 अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो कुछ लेसंस ऑफ एडवाइस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक एंड फ्रेंड्स इफ यू लाइक द एफर्ट्स काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स इज अ वे टू हेल्प द कंटेंट क्रिएटर मींस इफ यू लाइक द वीडियोस यू कैन जस्ट डोनेट सम मनी टू देम इन फॉर्म ऑफ टिप्स मिनिमम स्टार्ट्स विद 20 मिनिमम इज 20 रुपीज एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस सो फ्रेंड्स थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू